यहां पर है, क्या वो यहां पहुंच पाएगा? वेरी गुड, एक बार तालियां बजा दे इसके लिए। एक बार कमाल हो गया, एक चोर क्या बन गया? सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया, सबसे अच्छा इंसान। बहुत अच्छे से, बहुत गंदा बनना आसान है? तो वापस मैं जाऊंगा, क्या बहुत गंदे से बहुत अच्छा बनना आसान है? है, आसान है। जो क्लास के टाइम क्लास से बाहर रहते थे, लड़की भी चाहिए और धन दौलत भी चाहिए। तो अभी हमने कहानी सुनी थी जिसमें पापा ने अपने बेटे को बुरी संगत से बचाने के लिए किस तरह से आमों का सहारा लिया और आमों के बीच में एक सड़ा आम रख दिया। सड़े आम रखने से सारे बाकी आम भी सड़ गए और बेटे को समझ में आ गया था, क्योंकि वो बाकी गंदे बच्चों के साथ रहता था, और उसने प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं गंदे बच्चों के साथ नहीं रहूंगा। साथ में उसने एक प्रॉमिस और करी थी, कौन सी प्रॉमिस की थी? यस, कि मैं आपको फाइनल एग्जाम में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा, सारे गंदे दोस्तों को छोड़ दूंगा। तो हमने यहाँ पर आपके पास एक सवाल रखा था, ये अच्छे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि ये जो बच्चा है ये सबसे अच्छा है। तो मैंने आपके साथ दो सवाल शेयर किए थे। पहला था कि आप यहाँ पर कहाँ पर हैं, और दूसरा सवाल था कि आपके दोस्त कहाँ पर हैं। एंड कितने बच्चों का समझ में आया कि आप कहाँ पर हो? सच में समझ में आ गया? Yes, आपको ये भी पता लग रहा होगा कि मैं अच्छा हूँ, कि बहुत अच्छा हूँ, कि मुझे जैसा बच्चा सब लोग चाहेंगे। दूसरा सवाल था कि आपके दोस्त कहाँ पर हैं, ये कितने को समझ में आया? सही में आ गया पक्का? ओके, तीसरा सवाल था कि क्या वो बच्चा जो यहां पर है, क्या वो यहां पहुंच पाएगा? जो बच्चा यहां है वो यहां पहुंच पाएगा? वेट वेट, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप बताइए क्या बच्चा वहां तक पहुंच पाएगा? अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो शायद मुमकिन है कि वो वहां तक पहुंच पाए। अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा तो पहुंच पाएगा। यस, आप बताओ आपको क्या लगता है? हाँ जी, कौन सा बच्चा बताना चाहेगा, आप बताइए। अगर वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगा तो उसका चांस है वो पहुंचेगा। ज्यादा मेहनत करेगा, अच्छा, मेहनत के साथ साथ में और क्या चाहिए आपको, क्या लगता है कैसे पहुंचेगा वहां तक? सर, अगर वो ज्यादा मेहनत करेगा और बुरे संगति छोड़ देगा तो शायद वहां तक पहुंचेगा। बुरी संगति छोड़ देगा, तो पहली बात आई कि ज्यादा मेहनत करना, दूसरा है बुरी संगति छोड़ना। अब इन दो के अलावा तीसरी बात जिसको पता हो वो बताएं। हाँ जी, क्या करना चाहिए? अगर उस बच्चे ने ठान लिया कि मेरे को उस मुकाम पे जाना ही है तो जाना है, और वो दिन रात मेहनत करेगा तो पक्का पहुंच जाएगा। वेरी गुड, एक बार तालियां बजा दे इसके लिए। एक बार देखो, तीन चीजें समझ में आ गई, पहला है मेहनत, दूसरा है संगति छोड़ देगा, तीसरी है ठान लेगा। इसके अलावा कुछ और है? यस, आप बताओ क्या करेगा कि वो वहाँ पहुँच जाएगा? सर, अगर वो उसमें लगन रखे और ठान ले कि मेरे को यहाँ पहुँच, जो बता दिया वो ना बताएं आप। लगन, लगन आपने कहा कि वो सच्ची लगन होनी चाहिए उसकी, तो हो जाएगा। आप बताओ। सर, वो सबका मदद करे, बुरे दोस्तों से दूर हो जाए, बुरे दोस्तों से दूर हो जाए और मेहनत करे, सबकी मदद करेगा तो भी पहुँच सकता है। ओके गुड, आपके लिए भी क्लैपिंग करने का मन कर रहा है। आप बताओ कैसे पहुंचेगा? खड़े हो जाओ। सर, अगर वो ठान ले कि मैं पढ़ूंगा और अपना दिमाग पढ़ने में लगा दे और फोन में कुछ टीवी में कुछ ना देखे तो वो कर लेगा सर। क्या टीवी देखना गलत है? नो सर, मतलब कुछ सर, टीवी तो देखना चाहिए ना, टीवी से भी अच्छा सीखने को मिलता है। हाँ, ज्यादा सर, ज्यादा ना देखे, लिमिट से देखे। ओके, कुछ बच्चे कार्टून में घुस जाते हैं, पढ़ाई छोड़ते हैं, कार्टून में घुस जाते हैं। चलिए खैर, तो और बच्चों से जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कैसे पहुंचेगा? सर, अगर वो पूरे दोस्तों को छोड़ दे और अच्छे बता दिया साथ बैठे तो या ऐसे नई चीज आ गई, अच्छे दोस्तों के साथ रहे। क्लैपिंग कर दे बार, अच्छे दोस्तों के साथ भी
पहुंच सकते हैं? यस, आप बताओ। सर अगर वो दिल लगा के पढ़ेगा तभी पहुंच सकते हैं। मन लगाए या दिल लगाए, बात एक ही है कुछ अलग अलग है? एक ही है। चलिए मन और दिल लगा कर उसे काम करना होगा। क्लैपिंग कर दे इसके लिए भी एक बार। आप बताइए। सर अगर वो पूरी फोकस और हटा दो थोड़ा मास्क हटाओ। हाँ सर अगर वो पूरी फोकस से पढ़ेगा तो जरूर कर लेगा। पूरी फोकस यानी कि पूरा फोकस उसका पढ़ने में होगा तो वो पहुंच सकता है या पहुंच ही जाएगा? पहुंच जाएगा पहुंच सकता है? पहुंच जाएगा। चलिए क्लैपिंग कर दे इसके लिए भी। एक नई चीज आई है। यस कुछ और? सर अगर वो फोन में पढ़ाई की चीज देखेगा तो पहुंच सकता है, और बाहर क्लास से ना निकले और लंच में भी अगर वो पढ़ाई करेगा तो पहुंच सकता है। क्या बात है, क्लैपिंग कर देगा इसके लिए भी। काफी नई चीज आ गई है जी। अगर वो घर पर भी दिन रात पढ़े तभी भी पास हो सकता है? पास नहीं होना है, मतलब रैंक की चेंज करनी है। बताओ कहाँ से कहाँ पहुँचना है? दिन रात मेहनत करेगा तो वहाँ तक पहुँच सकता है। दिन रात मेहनत, यहाँ पर एक चीज और नहीं आ गई है, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। और कुछ? जज्बा चाहिए। और भूल गया? यस कुछ और? अगर वो तो अगर सुबह जो याद ना हो उसे अगर वो याद करेगा तो फिर उसे पेपर के टाइम वो हर दिन याद आएगी वो चीज़। मतलब डेली पढ़ना जरूरी है। हाँ जी याद आ गया। दिल लगा के वो पढ़ेगा तो वो तो बता दिया ना, दिल लगा के जो नहीं बताए वो बताओगे। हाँ जी बताओ। सर अगर वो दिन रात मेहनत करेगा, दिन रात मेहनत हो गया, अगर टीचरों की रिस्पेक्ट करेगा, दूसरों को मदद करेगा तो वो अच्छा अच्छा बनेगा। टीचर्स की रिस्पेक्ट और दूसरों की मदद। आप सर अगर वो हर एक मिनट की कदर करेगा और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेगा तो वो उस मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। क्या बात है, हर एक मिनट की कदर करना बहुत इम्पोर्टेंट। तालियां बजा दे। आप फिर बता रहे हो कुछ? अगर वो बच्चा फोन में उल्टी सीधी चीजें ना देख के कोई पढ़ाई की चीज या मोटिवेशन की चीज देखता है तो उसको लगेगा कि ये चीज करना मेरे लिए आसान है, मैं इसको जरूर हासिल कर सकता हूँ। क्या बात है भाई, मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। ताली बजा दे एक बार। यस कुछ और? आप बताओ। सर अगर वो चाहे कि मेरे को पढ़ना ही है और कुछ भी करना तो वो फोन से भी पढ़ सकता है। अगर वो बोलेगा कि पापा, अपने पापा से बोलेगा कि पापा मेरे को ट्यूशन जाना पढ़ना है तो अगर जिद करके पढ़ेगा तो फिर वो पढ़ेगा नहीं, फिर वो खेलेगा कूदेगा पढ़ेगा नहीं। मतलब सिर्फ पढ़ना है उसे खुद समझना पड़ेगा पहले। सर समझेगा तभी तो आएगा, अगर बोलेगा कि मेरे को बस पढ़ना है ट्यूशन जाना। चलिए मैं अभी आपको एक कुछ और है। यस सर जी, अगर वो अपने पापा से बोलेगा कि मुझे ये वाली कॉपी और बुक चाहिए तो उसके पापा ला के देंगे तो कॉपी किताब लेके आ जाएंगे, लेकिन उसका पढ़ने का मन ना करे तो? सर जी नहीं, सर जी वो मंगाया, सर जी वो तभी तो मंगा रहा है जब उसे पढ़ने वो पढ़ेगा। ओके, इसीलिए मंगा रहा क्योंकि उसको पढ़ना है। यस सुबह सुबह उठ के पढ़ने लगेगा, सुबह सुबह उठ के। चलिए बहुत सारे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या जो बच्चा बहुत बिगड़ा था, बिगड़ गया था, क्या वो टॉपर बन पाएगा या बना होगा? उसी की तरह एक आदमी था जो बहुत बड़ा डाकू था, बहुत बड़ा चोर था, एक राजा के नगर में रहता है। राजा के लड़की थी राजकुमारी, और उसने कहा राजा ने कि मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा जो सबसे अच्छा होगा, खूब सारा पैसा, फिर क्योंकि एक ही बेटी है ना तो बहुत सारा पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। सबके पास खबर पहुंच गई कि सबसे अच्छा जो होगा उससे अपनी बेटी का ब्याह करवाऊंगा और सारा राज्य उसे दे दूंगा। खबर पहुंचते पहुंचे चोर के पास भी पहुंच गया। चोर को लगा, यार मैं रोज रोज चोरी करता हूं, थोड़ा थोड़ा कमाता हूं, क्यों ना अगर शादी हो जाए मेरी तो सारा पैसा आ जाएगा, राज्य मिल जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? जो सबसे अच्छा होगा, सबसे ज्ञानी होगा, उसी से शादी करेंगे। शर्त ये थी कि मैं 6 राउंड लूंगा, टेस्टिंग के 6 राउंड लूंगा। ये 6 लाइन है ना, 1 2 3 4 5 6 राउंड लूंगा, जो 6 राउंड में मुझे लगेगा, अंतिम राउंड में जो लगेगा कि हाँ ये मेरी बेटी के लिए सही है, उससे मैं शादी करवाऊंगा। पहला राउंड सब लोग आए, अपना अपना परिचय दिया,
चोर भी आ गया। तो चोर ने भी कहा जी दाढ़ी वाड़ी बनाई और थोड़ा सा ठीक ठाक बन के गया है ना लाइन में, तो अपना परिचय दिया उसने। अब चोर तो चोर की भाषा बोलेगा ना, चोर की तरह रिएक्ट करेगा, अजीब सी उसकी भाषा थी टपोरी टाइप की, क्योंकि 6 राउंड लेने थे राजा को, पहले राउंड में रिजल्ट नहीं निकालना था, इसलिए कहा था कि इनमें से कोई सेलेक्ट नहीं हुआ और अच्छे बन के आओ। चोर को लगा ऐसे कैसे अच्छे बनेंगे, चोर चला गया। जो सत्संग करते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं उनके बीच में, अब वहां तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को भी टाइम से सोना पड़ता है, अच्छे अच्छे काम करने पड़ते हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, सबकी सेवा करनी पड़ती है। चोर ने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था, चोर को लगा भाई बड़ा गड़बड़ है। खैर लड़की भी चाहिए थी और धन भी चाहिए था, रहने लगा उनके साथ मजबूरी में। धीरे 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 देखा उसने कि भाई सुबह उठ तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन उठ लेता हूँ, क्योंकि धन भी चाहिए लड़की भी चाहिए माला माल भी बनना है। तो देखा कि अब अगला राउंड था, अगले राउंड में बात करना तो सीख गया था क्योंकि वहाँ पर सारे लोग आइए बैठिए खाइए, आओ बैठो नहीं, आजा खाजा नहीं, आइए बैठिए, थोड़ा सा तमीज वगैरह रिस्पेक्ट वगैरह सीख गया था। तो सबके लिए राजा ने फीडबैक रखा था कि तुम्हारा पिछली बार ऐसे था, इस बार अच्छा था, इस बार अच्छा है, तुम्हारा इस बार और खराब हो गया। अगले राउंड में पहुंचता है, चोर को लगा यार एक राउंड तो मैंने पार कर दिया, थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा है। अगली बार अब वो सुबह जल्दी उठने लगा, टाइम से सोने लगा, कुछ किताबें वगैरह पढ़ने लगा, कुछ ज्ञान की बातें सीखने लगा। अगला राउंड आ गया, तीसरा राउंड सुना दिया उसने, कुछ सुना दिया तो राजा ने कहा यार पिछले से बेटर है, सबका फीडबैक देता जा रहा था, लेकिन भाई मेरी बेटी से शादी करना इतना आसान नहीं है। सो चोर धीरे 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 जो उसकी चोरी करने की आदत थी वो उन लोगों के साथ रह करके छूट गई, या शुरू में उसने इसलिए छोड़ी थी कि मुझे लड़की और दौलत चाहिए, उसी तरह काम करने लगा, कुछ पढ़ने लगा, धीरे 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 करके यकीन नहीं मानेंगे आप, लास्ट स्टेज में पहुंचते पहुंचते इतना बड़ा ज्ञानी बन गया, इतना गजब आदमी बन गया। और जब राजा ने टेस्ट लिया तो टेस्ट में क्या लगा, और टेस्ट में पास हो गया, शादी हो गई, धन भी मिल गया, और उसे सबसे अच्छे नगर में सबसे अच्छे इंसान का पुरस्कार मिल गया। लड़की की शादी हो गई तो अच्छा इंसान तो अपने आप ही माना जाएगा। तो अब मैं आपके पास फिर से पुरानी वाली कहानी को बताऊं कि क्या जिस बच्चे को लगा था कि मैं अच्छा बनूंगा, वो बच्चा इतना गंदा नहीं था जितना चोर था। जब चोर अच्छा बन सकता है तो वो बच्चा अच्छा बन सकता है कि नहीं? अच्छा वो बच्चा बन सकता है अच्छा, तो आप बन सकते हो कि नहीं? तो आपने दोनों कहानी सुन ली ना, पहली कहानी में बच्चा अच्छा था, गंदे लोगों के साथ रह करके कैसा हो गया, आम अच्छे थे, सड़े आम के साथ रहने से कैसे हो गए, सड़ गए। पर दूसरी कहानी आपने देखी, कमाल हो गया, एक चोर क्या बन गया, सबसे बड़ा ज्ञानी बन गया, सबसे अच्छा इंसान बन गया। तो आप बताइए, इधर मैं आपको ले चलूंगा, क्या यहाँ से यहाँ पहुँचना आसान है? क्या बहुत अच्छे से बहुत गंदा बनना आसान है? तो वापस मैं जाऊंगा, क्या बहुत गंदे से बहुत अच्छा बनना आसान है?
है, आसान है, एवरीथिंग इज पॉसिबल जब चोर सबसे बड़ा ज्ञानी बन सकता है। तो ये वाला बच्चा क्यों नहीं अच्छा बन सकता, तो आप बताइए उस बच्चे की क्या गलती थी जो गंदा बना, और उस चोर ने क्या किया जो सबसे अच्छा इंसान बन गया, कौन बताना चाहेगा? यस वेट 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 सर, वो बच्चे की यह गलती थी कि वो बहुत बुरे लड़कों के साथ कर गया था, जो गाली देते थे, जो क्लास के टाइम क्लास से बाहर रहते थे, और चोर की यह अच्छाई थी कि वो चोरी करना छोड़ के वो अच्छे काम करने लगे, सुबह उठने लगा, जल्दी सोने लगा और पढ़ने लगा। ओके यस गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट, अब अच्छा लग रहा है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। यस बताओ, एक एक करके सर, अगर वो चाहेगा कि मैं अगर कुछ नहीं करने का भी करूँगा, अपने दोस्तों के साथ रहना छोड़ दूंगा, तो वो चढ़ जाएगा। अगर बोलेगा चोर ने क्या किया और बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने सोचा कि अगर मैं इनके साथ गंदे बच्चों के साथ रह रहा हूँ तो मैं भी गंदा बच गया, मेरे पापा को दुख हो रहा है कि मैं गंदा हूँ। फिर चोर ने सोचा कि मेरे को लड़की मिलेगी और धन दौलत मिलेगा, मैं ऊपर तक चढ़ जाता हूँ। फिर उन्होंने ऊपर, फिर उन्होंने नीचे देखा कि अरे किया क्या चोर ने, चोर ने किया कि मैं अच्छा बनूंगा, पहले सस्ता, ये तो सोचा था, किया क्या था, बैठो चलिए और बच्चों से जानना चाहेंगे। हाँ बताइए, वेट वेट, आऊंगे सबके पास, अच्छा लग रहा है सबके पास आंसर है। बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या, ये कि पहले वो अच्छा था, अच्छे नंबर लाता था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर वो गंदे बच्चों के साथ रहने लग गया, और गंदे बच्चों के साथ रहने लग गया, और वो पढ़ाई के टाइम पर भाग जाता, फिर एक बार उसके पापा ने उससे, नहीं कहानी नहीं जाननी हमने, हमें सिर्फ ये जानना कि बच्चे ने क्या किया और चोर ने क्या किया। चोर ने ये किया कि मेरे को तो लड़की भी चाहिए और धन दौलत भी चाहिए, इसलिए उसने ये सोचा कि लड़की और ये चाहिए तो फिर मेरे को इनके जैसा बनना पड़ेगा, फिर वो उनके जैसा बन गया।